आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर बिलासपुर से है, जहां भाजपा जिला मंत्री विजयपाल जाटव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में देवभूमि उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है और 2022 में भाजपा सत्ता पर फिर से काबिज होगी और हर वर्ग के सहयोग से भाजपुर में फिर से कमल खिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लिए मोदी और प्रदेश के लिए धामी जरूरी है, क्योंकि डबल इंजन सरकार से प्रदेशवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है। पार्टी से भाजपुर विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका अवश्य देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हूं और मुझे भाजपुर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता पर पूरा भरोसा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्य ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में कराए जाने का दावा किया है। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पलटवार विकास कार्य गिनवाते हुए किया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। विधानसभा अध्यक्ष का साफ कहना है कि वह विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, क्योंकि 2022 में जनता सवाल पूछने वाले जवाब देगी, जहां कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हुए सैकड़ों भाजपाइयों ने विधानसभा अध्यक्ष के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने 5 वर्ष तक बहुत जबरदस्त अभूतपूर्व विकास कार्य पूरे उत्तराखंड में किए और मेरे विधानसभा में तो आपने देखा कि जिस प्रकार से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। और मैं समझता हूँ कि 2012 से 17 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास कार्य में नहीं कर पाया था और संकल्प लिया था मैंने 2017 के स्टार्टिंग में कि मैं इस बार 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 वर्ष का कार्य जो है करके दिखाऊंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ा हूँ, लगभग 5 गुना ज़्यादा काम, 5 गुना ज़्यादा काम मैंने इस बार इस कार्यकाल के दौरान किया है। उत्तराखंड में सरकार 5 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलाया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है, यह जितने भी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए हैं और जो उनके लाभार्थी हैं, आज उनका सम्मेलन किया गया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष राजबालक सैनी ने कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 60 बार इस नारे को हम पूरा करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की चलाई गई सभी योजनाओं को जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जो उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार है, उनके जितने भी कार्य किए गए, हमारे जितने भी लाभार्थी थे, आज उनका सम्मेलन किया गया है ये पिरान कलियर विधानसभा में, धनौरी सेंट्रल कॉलेज में। इसमें हमारी कलियर की मंडल अध्यक्ष बहन राजबाला सैनी जी, दूसरे मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी और हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं जय भगवान जी यहाँ पे, और बाकी सारे हमारे वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता थे आदि सब लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी सत्ता विधानसभा संबोधित कर रहे थे और ये जो योजना चल रही है सरकार, ये सभी के लिए चल रही है, सबको लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। धनौरी में 2 युवकों से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर 10,000 रुपए की नकदी और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और पीड़ित युवक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार तेलीवाला बाइक सवार कलियर से अपने गांव जा रहे थे, इसी दौरान भगवानपुर बाईपास मार्ग पर रतमऊ नदी के पुल से पहले उनकी बाइक खराब हो गई थी, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप के पास अपने परिचित के यहां अपनी बाइक खड़ी कर दी थी और अपने परिजनों को सूचना दी और दोनों युवक धनौरी की ओर पैदल ही चल दिए।
तभी पीछे से बाइक पर सवार दो बदमाश आए और उन्होंने तमंचा दिखाकर युवकों से कैश और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। खबर धनौरी से है जहां बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने दो युवकों के तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया है। जहां दो युवक पैदल अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे, जहां उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के पास अपने परिचित के यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर दी थी, जो खराब हो जाने की वजह से वो आगे नहीं ले जा सकते थे और अपने परिजनों को सूचना भी दे दी थी और दोनों युवक धनौरी की ओर पैदल ही चल दिए थे। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार दो बदमाश आए और उन्होंने तमंचा दिखाकर युवकों से कैश और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। कितने में कितना भैया? 10 बजे का रात। तो उन्होंने कहना फोन लेने के बाद बोलना कि पैसे दे दो, उन्होंने पैसे दे दिए। उसके पैसे दे रहे 5000 रुपये। क्या नाम है भाई का? फिर कहना हुआ मुझे कहने लगे तो तू भी दे। मैंने कहा मैं तो दे दे रहा, मैं वो आपसे जैसे कि चला तो मैं मेरे पीछे भाग लिया इकट्ठा ले गए। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा रुक जाने गोली मार देंगे। तो दूसरे भाई ने कहा भाई वो अगर भेजा पैसे दे देगा, अभी जान बच जाएगी तो पैसे भी कोई बात नहीं। तो जी मैंने उसको फ़ोन दे दिया अपना, उसने पैसे भी निकाल दिया। मेरे को भी 5-6 हज़ार रुपये थे निकाल लिए, अगर एम्पल का फ़ोन पे। सरकार के विकास के 5 साल नए इरादे नए युवा सरकार कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां एक ओर थराली में रामलीला मैदान में ही कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम से पहले रैली निकालकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए अपने शक्ति प्रदर्शन किया। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए और देवाल तिराहे से रामलीला मैदान थराली तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे। भाजयुमो में जिलाध्यक्ष देवेंद्र नेगी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जनता के बीच जाएगी। चुनावी बिगुल तो बच गया उत्तराखंड में, और जैसे कि आज उत्तराखंड सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे अपने पूरे प्रदेश में और अपने जनपद में हम अपनी तीनों विधानसभाओं में अपना एक शक्ति प्रदर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही स्वर्णिम काल रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी हमारे 5 साल जो हुए हैं इसमें अनेकों काम हमारी राज्य सरकार ने तमाम अनेक काम करे हैं, उन्हीं को लेके अब हम चुनाव में जाने वाले हैं। और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का जितने भी काम हमारी सरकार द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको युवा मोर्चा घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाएगा। सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर 18 मार्च 2021 की तरह ही 7 जनवरी 2022 को सूबे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद की सभी विधानसभाओं में LED के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। काला ढूंगी में ग्राम लीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जहां कार्यक्रम स्थल में भारी संख्या में स्थानीय जनता सहित कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, पूर्व मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज बिश सहित काला ढूंगी प्रशासन में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कालाढूंगी विधायक और वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि 5 साल का लेखा जोखा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खटीमा की रैली से सभी विधायकों को संबोधित करते हुए स्थान स्थान पर सभी माननीय मंत्रियों विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने बताया है वह ऐतिहासिक है। 5 साल ये अभूतपूर्व रहे हैं, इसमें सामान्य गरीब व्यक्ति से लेकर प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सब प्रकार के काम हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसके कारण उत्तराखंड का चौमुखी विकास आज हो रहा है। उत्तराखंड आने वाले दिनों में जब 25 साल का होगा तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाए, देश के विकसित राज्यों में गिना जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं चल रही हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक प्रकार के जनहितैषी काम प्रारंभ किए हैं, चाहे स्कूलों के क्षेत्र में हो, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। उत्तराखंड में आज धामी सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल पूरे उनके उपलक्ष्य में आज ये सभी विधानसभाओं में एक कार्यक्रम किया है कि हमने 5 साल में क्या किया है।
कि सभी लोगों का भोजन 5 साल का लेखा जोखा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खटीमा से सभी विधानसभाओं को संबोधित किया है और स्थान स्थान पर सभी माननीय मंत्रियों ने विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में हिस्सेदारी की है। और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो बताया है वो ऐतिहासिक है और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। हम उसमें सफल हुए हैं। हम मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के सैन्य धाम वीरभूमि उत्तराखंड के लिए बेहद दुखद खबर है, जहां उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिका ब्लॉक के 28 वर्षीय जवान अनिल चौहान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। गढ़वाल राइफल के जवान अनिल चौहान पौड़ी जनपद के द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम लंगूरी के रहने वाले थे। राइफलमैन अनिल चौहान के शहीद होने की सूचना दोपहर में जब उनके पिता ब्रजमोहन चौहान को मिली, जिसके बाद उनके घर में कोहराम मच गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने भी यहां दुख की घड़ी में अनिल चौहान के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और वहीं ब्लॉक प्रधान संगठन के अर्जुन सिंह रावत ने कहा कि दुखद खबर से पूरा क्षेत्र में शोक की लहर हो गई है। नमस्कार, आज भारतीय सेना में हमारे पौड़ी जिले द्वारिखाल ब्लॉक से अनिल चौहान जी शहीद हो गए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा द्वारिखाल ब्लॉक उनके साथ है, परिवार के साथ है और जो भी हमसे जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। यहाँ जो अनिल चौहान जो गढ़वाल राइफल में सेना में थे, वो आज उनका एक समाचार मिला, वो शहीद हुए हैं सेना में। विशेष रूप से हम दुखी हैं, लेकिन इस देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उस पुण्य आत्मा को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लालकुआ कोतवाली के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचौड़ सोयाबीन फैक्ट्री में गेट पर स्थित नहर में अज्ञात युवक का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने चौकी इंचार्ज को अज्ञात शव की शिनाख्त कर मामले की जांच के निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने बताया कि एक सोयाबीन फैक्ट्री के पास 35 वर्षीय व्यक्ति का नहर में शव मिला है, जिसकी शिनाख्त के लिए आसपास के थाने में फोटो भेजा गया है। प्रथम दृष्टया मामला नहर के गिरकर मृत्यु के प्रतीत होता है, जहां शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। में सोयाबीन फैक्ट्री के सामने नहर में एक 35 से 40 साल के व्यक्ति की यहां पे बॉडी मिली हुई है। इसके संबंध में जानकारी के लिए फोटो आसपास के क्षेत्र में भेज दी गई है तथा इसकी जानकारी की जा रही है। उत्तराखंड में रोडवेज संविदा विशेष श्रेणी संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर कामकाज ठप कर दिया है। संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष कैलाश भट्ट ने बताया कि संगठन संविदा और विशेष श्रेणी के कर्मचारी को नियमित तौर पर नियमित न किए जाने तक समान कार्य, समान वेतन और व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित में 16 दिसंबर को परिवहन सचिव, परिवहन निदेशक, महाप्रबंधक के समक्ष बात के बाद 10 दिन में समस्याओं का समाधान करने की बात हुई थी, जिसके बाद संगठन ने 15 दिनों के लिए आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया था। आगे उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शाम तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। चंपावत में जिलाधिकारी विनीत तोमर और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा की ओर से आज मां पूर्णागिरी मंदिर के मंदिर स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। डीएम तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सभी स्टीमेट के भेजने को कहा गया, जिससे उस पर सक्रिय कार्रवाई की जा सके। आगे ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर लाया जाए। उन्होंने घोषणा पेयजल आपूर्ति योजना की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगे कहा गया कि पूर्णागिरी धाम में पेयजल की आपूर्ति बारहमासी जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां मंदिर समिति के साथ बैठक कर उन्होंने मंदिर समिति की ओर से प्रस्तावित सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
आगामी समय में मेला प्रारंभ होने वाला है, तो इसके लिए मेला क्षेत्र का भ्रमण और ऐसी स्थितियों को देखा गया जिसमें काम कराए जाने की आवश्यकता है। उसके संबंध में जितने अधिकारी हैं और जो वेरियस स्टेक होल्डर हैं, जैसे मेला संबंध समिति है, नगर पालिका है, उन सबसे बातें की गई और जो विषय है उन पर निर्णय लिए गए। अभी मेला अवधि का निर्णय नहीं हुआ है, वो तत्समय ही परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। सर, कोविड को लेकर देखिए, हमारे यहाँ ये व्यवस्था की जाएगी कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे वो डबल वैक्सीनेशन किए हों या नहीं है तो उनकी सैंपलिंग। अब खबर रुड़की से है, जहां पर 5 साल बेमिसाल भाजपा सरकार के पूरा होने पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम का आयोजन विधायक प्रदीप बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे कार्यालय में शहर के करोड़ों रुपए के कार्य कराए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की चलाई गई सभी योजनाओं का जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के 5 साल पूरे होने पर सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री मुश्किल आपको बधाई देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ पर हुए जो योजना है और जो उन्होंने उत्तराखंड दिखाया, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं सोचता हूँ कि इतने कार्य 5 साल में शायद वो अपने आप में इतिहास बना। क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डीडी हाट के प्राथमिक शिक्षा वर्ग चल रहा है, जहां गोलगांव में स्थित मल्लिकार्जुन विद्यापीठ में चल रहे 9 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग के कई गांव से आए 83 स्वयंसेवक गहन प्रशिक्षण ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला डीडी हाट के शिक्षकों द्वारा विभिन्न कलाओं में दक्ष किया जा रहा है। जी, जो संघ की दृष्टि से डीडी हाट जिला है, इसमें पूरा डीडी हाट के जो 8 खंड और 2 नगर हैं उसके सभी स्वयंसेवक यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 83 संख्या है अपने प्रशिक्षण वर्ग में। इसमें सभी कक्षा 9th से लेकर के और 60 वर्ष तक के स्वयंसेवक हैं हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग में। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।